सात दिवसीय बौद्ध कथा का हुआ शुभारम्भ। हसीरन कस्बे गढ़ी मोहल्ला में सात दिवसीय बौद्ध कथा की शुरुआत की गई। बौद्ध कथा के प्रथम दिन पर भगवान बुद्ध के जीवन पर प्रकाश डाला गया। कथा प्रांगण में बौद्ध आचार्य कथावाचक नंद किशोर द्वारा बौद्ध कथा का रसपान कराया गया। वहीं कथावाचिका रोशनी बौद्ध सिखा बौद्ध ने भगवान बुद्ध के वचनों को कथा प्रांगण में कथा कहकर भक्तों को सुनाया। भगवान बुद्ध के जीवन पर प्रकाश डाला गया। बुद्ध के बचपन की कथा को भक्तों को रसपान कराया गया। बचपन में बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। जन्म की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया। बौद्ध कथावाचक नंद किशोर शाक्य ने बताया, राजा शुद्धोदन और रानी ने स्वप्न में कहा कि उसी सपने को साकार करने के लिए काफी प्रयत्न करते रहे, लेकिन वह सपना उनका साकार हुआ। सिद्धार्थ के जन्म की कथा को मार्मिक ढंग से सुनाया गया। वहीं कथा पंडाल में सामाजिक दूरी का ध्यान रखा गया था। कथावाचिका रोशनी बौद्ध ने बताया, धम्म शरणम गच्छामि बुद्धम शरणम गच्छामि भगवान बुद्ध के जन्म की कथा का प्रसंग कथा पंडाल में सुनाया गया। कथा सुन श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो गए। इस मौके पर अर्जुन सिंह शाक्य, विक्रांत शुक्ला, पंकज शाक्य, प्रताप सौरभ, राम खिलावन, विजय पाल नेता शाक्य, दीपक चौहान, रामचंद्र शाक्य आदि कई लोग कथा प्रांगण में मौजूद रहे। कन्नौज ब्यूरो चीफ अभिषेक तोमर।